सब करते करते कितना वक्त लग गया। बज चुके हैं, अब और कितनी देर खड़े रहोगे? चलो बत्ती बुझा दो, हम सो जाते हैं। नहीं, मैं अलग सोऊंगी। तुम अलग सोओगी तो हमारी सुहागरात कैसे होगी? नहीं नहीं, मैं अलग सोऊंगी। क्यों? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? आप मुझे कर दीजिए, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं मजबूर थी। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई है। तो जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी कर लेती? उसकी जात अलग है। हमारे घर वाले सब कट्टर रूढ़िवादी ब्राह्मण है। तो मैं क्या करूँ? मुझे यही रहने दीजिए, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगी। समस्या का एक सीधा सा तलाक। नहीं, मेरे घर वाले तुम जिसे चाहते हो उसे शादी न देकर तुम पर बहुत बड़ा अन्याय किया। इस अन्याय को न्याय में बदल देना चाहिए। मेरे दादा इस सदमे से गुजर जाएंगे। मतलब इससे तुम्हारे रूढ़िवादी परिवार को बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। तलाक अगर मुमकिन नहीं है तो दूसरा रास्ता है। तुम अपने माता पिता के पास वापस चली जाओ और जैसे वहां रहती थी वैसे। नहीं, वो मुझे वापस यहाँ भेज देंगे। ऊपर से सबों को पता चल जाएगा। तो फिर तीसरा रास्ता है, तुम यही रहो, अलग रहो। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे भी तो अपने समाज और मूल्यों के साथ जीना है। इस सूरत में हमें बाहर वालों के सामने पति पत्नी का नाटक खेलना पड़ेगा। नकुल की आंखों में अगर तू झुकना है तो मुझे तुम्हारे कमरे का बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई और बाथरूम इस्तेमाल किया तो मैं कुछ पसंद नहीं आया। तो मैं जाऊँ तुम्हारे बाथरूम में। एक बात और, तुम मुझे आप आप कहकर पुकारती हो तो अच्छा नहीं लगता। अकेले में चाहे तो कह सकती हो, लेकिन नकुल या किसी और के सामने तुम कहकर पुकारना ही उचित होगा। पति पत्नी एक दूसरे को आपस में तुम कहकर ही पुकारते हैं। मेरी आवाज पहचानती हो? पहचानती हूँ। मैं तो यही नहीं, मैं अकेले हूँ। अपने पति को बताया? कुछ नहीं। रात को तुमने परेशान किया? नहीं। तुम अकेली सोई थी? हाँ। ठीक है, इसी तरह चलती रहो। लेकिन
सही कब तक? थोड़ा वक्त लगेगा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कसम लगा दे, कसम खाई थी, मेरा नाम किसी को नहीं बताऊंगी, काली माई की कसम खाई थी। तुम्हारा पति शायद मेरा नाम भूलिया जानने के लिए तुम्हें फोन करेगा। नाम तो नहीं पूछा, पर अगर पूछते तो नहीं बताती। मैं बीच बीच में टेलीफोन करूंगा दोपहर को, इसी वक्त जब तुम्हारे पति घर पास नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो। शुरू शुरू में सब ठीक ही लगता है, बाद में एक किसी भी लगता है इन्हें चार में से कौन की नजर आता है, चार नजर भी की बात यह है कि हत्यारे ने भिखारी के पीठ से उसके सीने तक सही का कांटा घुसाकर उसकी हत्या की है। छोटी खबर थी इसलिए शायद नहीं पड़ी होगी, किसी ने एक खबर पढ़ी है किसी इंसान के शरीर में हो सकता है उठेगा नहीं। अच्छी सही का कांटा नहीं करता है, नहीं मिलता है, सुना है कि न्यू मार्केट में किसी किसी दुकान में। इसके अलावा बंजारे कभी कभी मैदान में बेचते, लेकिन चाकू चले होते हुए कोई साई का कांटे से खून बन गया। एक छेद पर लगता है किसी पागल का काम है, क्योंकि एक पागल ही साई के कांटे से किसी का खून करने की सोच सकती। जिसने भी खून किया छेद किया भिखारी को मारकर समाज का कल्याण नहीं किया, जो लोग कुछ काम नहीं करते उन्हें समाज में जीने का कोई हक नहीं। अच्छी लग रही मुझे सिनेमा देखने का शौक नहीं है। नहीं, अभी
तुम सभी का दिमाग खराब दिमाग खराब है तो तुम सब भूलिए किसी कुली मजदूर का किसी ने खून कर दिया है तो तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग कहना क्या चाहते हो उस मजदूर के लिए तुम्हारा दिल रो रहा है हमारे यहाँ छत पर 10 फूलों के गमले हैं तरह तरह के फूल लगाए थे मैंने पीला गुलाब भी है से कोई जबरदस्ती तो नहीं करती नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं और कुछ दिन ऐसे ही रहना होगा सुना तुमने ठीक है फिर टेलीफोन करूंगा लगता है सीने में सर्दी जम गई
चाय पी ली। दस दिन मेरी बीमारी के बावजूद मेरे लिए सबसे सुखी ये तुम्हारा सुरक्षा करना मेरी देखभाल करना मेरे लिए खाना बनाना मेरे बच्चे मुझसे बातें करना बात को बंद किए हुए चुपचाप मुझे देख कर चले जाना से बेशक प्यार नहीं करती लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी लगता है माली आ गया मर्जी नहीं है तो सिर्फ मुझे कुछ करने के लिए सिनेमा जाने की जरूरत है नहीं मैं जाऊंगी मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे ठीक है ले जाओ हेलो अच्छा अच्छा क्या हाल है तकलीफ की कोई बात नहीं ओके उसे जरा बाहर आना आगे बढ़ते बाहर अब तक कहाँ गए हैं ये तो नहीं मालूम कहीं तो आधे घंटे में आ जाएंगे अभी तो 1.5 घंटा हो गया ये जी इतनी देर तो अभी नहीं करती तुम जैसी थी वैसी ही दोनों हाँ मेरा नाम किसी को नहीं बताया नहीं काली माई की कसम खाई थी याद है याद है बस आज इतना आप बता दें फिर टेलीफोन करूंगा जल्दी ही जी हाँ आप क्या इनकी पत्नी हैं हाँ मैं राइस बेहरे अस्पताल से बोल रही हूँ आप इसी वक्त यहाँ आ जाए क्यों क्या हुआ आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है आप फौरन आ जाइए वो जिंदा तो है हाँ थोड़ी देर पहले ही होश में आया ठीक है मैं अभी आती हूँ अरे आइए 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 जी आज लगता है सब अजीबोगरीब घटनाओं का दिन है लेकिन आज तक ऐसी
any medical science, but 19 cases of death killed. That's right. Coffee is just mamla lagta hai. Shuru se bata hai. Rat ke 9 baje kareeb, teen ladke ek yuvak saathi ko taxi mein leke aaye. Wo log Ravindra Sarovar ki taraf the. Wahan bench par ek aadmi khada tha, jiske peeth ke andar Sahi Ka Kanta ghusa hua tha. Unme se ek ne us aadmi ko pehchan liya. वो उसी की फैक्ट्री का मालिक मेरा असिस्टेंट था। मैंने जांच की साहि के कांटे से हत्या होने की जिसका सबको मालूम मैंने सोचा जब आदमी जिंदा है तो कांटा जी से कौन पूछा होगा जब इनकी जांच की तो पढ़ाई की बात नहीं लगा तो अधूरी नहीं है और जांच करने पर पता चला कि यह वो अजीब अजीब घटना है जहाँ दिल बाएं तरफ में होते दाएं तरफ का ये रहा होता था थोड़ी देर बाद
जाने का काफी शौक है। कितनी पढ़ाई होगी उसकी? तो काफी पिताजी को पता था और ब्योमकेश बक्शी को हमें सोचा था जगह पर बैठ कर बैठे हुए थे।
लेकिन इस केस के बारे में मेरी एक धारणा है। धारणा यह है कि किसी अज्ञात आदमी ने सही के कांटे से तीन लोगों को मार के आखिर में देवशीष की जान लेने की कोशिश की। चारों बार हत्या का औजार सही का कांटा था। हत्यारा ये बताना चाहता है कि ये जो चार हत्या हुई इनके लिए सिर्फ एक ही आदमी से मिली। लेकिन चौथी बार हत्यारे ने एक संपन्न सज्जन देवशीष को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए समझ होता है कि हत्यारा पागल है। पागल बनकर डूरी जाकर सही के कांटे से सिर्फ देवशीष को मारना चाहता। अब अगर वो सिर्फ अकेले देवशीष को मारता तो पकड़े जाने का डर है। इसलिए पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसे बिना वजह जो कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जो लोग आपसे मिलते थे आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ, वो मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं। तो क्या ये लोग अक्सर आपके पिता के घर भी आते जाते थे? आते थे कभी कभी। प्रणाम गुप्ता शादीशुदा था, हाल ही में उसकी पत्नी गुजर चुकी। मुझे मालूम नहीं। देवशीष को कब से पहचानते हैं? शादी के बाद से। आपके पति देवशीष बाबू का दिल बाई तरफ लगाकर दाई तरफ, ये बात आपको मालूम है? हाँ, कुछ दिन पहले वो बीमार पड़े थे, तब मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को बुलाया था। परीक्षा के बाद उन्होंने बताया कि उनका दिल उल्टी तरफ है। अमूमन ऐसा नहीं होता ना। बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। आप जाइए अपने पिता के पास। नमस्ते। शादी से पहले किसके साथ बैठना चाहती थी? एक बार आपने पूछा ही नहीं। मुझे मालूम है, अब इसकी जरूरत है। दीपा निर्दोष, ये तो बचपन में थी। मेरा आक्रोश भी दूर हो गया। उस समय की कमी सुनिए। हाँ, आइए भैया।
किया है, उनको मारने की कोशिश की है। रैना वैसे थाने जब दीपा के कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें एक निजी ऑर्डर का डिलीवरी डायरी मिली। उस डायरी में उसके दस्तखत मिले और उसी ने मुझे लाने की बैठक हुई थी। वो था प्रवाल गुप्ता। प्रवाल गुप्ता ने उस डायरी में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता लिखी थी, अपने दस्तखत किए थे। उसमें उसने ये लिखा था कि तुम्हारी बिजली की तरह चमकती आंखें मेरे दिल में आंसू की खरोच पैदा करती। दीपा का नाम प्रसिद्ध है। प्रवाल गुप्ता शादीशुदा स्थिति में उसने दीपा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने सोचा होगा कि वीर खाने की एक लंबी बेटी से शादी करता है तो उसकी हालत अब बहुत सुधर जाती। लेकिन दीपा की शादी देवाशीष से हो गई। फिर उसने ठान ली कि वो देवाशीष को मार के उसकी दीपा से शादी कर लेगा। इससे देवाशीष की सारी कमी तो उसकी रहती गई और फिर देवाशीष का तो कोई खुदा नहीं था। बाबू की बैठक में उसने खुद बहादुर को देवाशीष बाबू से टेलीफोन पर बात करते हुए सुनी। देवाशीष बाबू का दिल तय कर दिया उसने अपनी तरफ। तो ये देवाशीष बाबू नमस्कार नमस्कार आइए। क्या ये देवाशीष बाबू पहले तो बारे में कुछ कहने मेरे के इंसान के आप दोनों बाबू सुन रहे हैं लेकिन बात क्या आज हमारे साथ कुछ किसी ने बात होगी सुनिए बाबू आने वाले थे लेकिन वो सब के बारे में मेरे के लिए आई नहीं लेकिन भाभी अब आइएगा जरूर नहीं तो उसके शब्द टूटेंगे नहीं जरूर आएंगे।